की अगली खबर झारखंड से, जहां ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता रद्द होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी सिफारिश भेज दी है, यानी झारखंड को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैंस आज ही दिल्ली से रांची पहुंचे हैं, हालांकि रांची एयरपोर्ट पर उन्होंने चुनाव आयोग की सिफारिश की जानकारी से इनकार किया है। अब सभी की नजरें राजभवन पर लगी हुई है। विधानसभा की सदस्यता रद्द हो सकती है, मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन हटेंगे तो क्या वो अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाएंगे या फिर कोई और चेहरा झारखंड मुक्ति मोर्चा से मुख्यमंत्री हो सकता है? ये तमाम विकल्प हेमंत सोरेन के सामने, क्या उनके चुनाव लड़ने की सदस्यता को अगले 6 साल के लिए रद्द कर दिया जाएगा? इन्हीं सवालों का इंतजार। राज्यपाल पहुंच चुके हैं और राज्यपाल ने अभी कहा है कि उन्हें ऐसी चुनाव आयोग की किसी भी सिफारिश की जानकारी नहीं है। हालांकि एबीपी न्यूज ने जब हेमंत सोरेन से चुनाव आयोग की सिफारिश के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, उल्टा उन्होंने मीडिया से ही सवाल करते हुए पूछ लिया कि आपसे ये सब कुछ कौन कह रहा है। तो सदस्यता रद्द होने की बात से हेमंत सोरेन ने इनकार किया है, मीडिया से ही सवाल पूछा कि आपसे ये सब कुछ, आपको ये जानकारी कौन दे रहा है? सर, एक तरफ आप इतने विकास के काम कर रहे हैं, लोगों की खुशी चाहिए में, और दूसरी तरफ सर निर्वाचन आयोग के फैसले पर आपके खिलाफ साजिश करने में क्या लगता है? अभी कहाँ है, कौन बोल रहा है? ये है मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा है कि जो पुलिस कर्मी आए थे छुट्टी पर उनको बधाई देने, तो एबीपी न्यूज ने जब उनसे सवाल किया कि एक तरफ आप विकास के काम गिना रहे हैं, दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग की बात सामने आ रही है, तो कह रहे हैं एबीपी न्यूज से बात करते हुए हेमंत सोरेन ने एबीपी न्यूज के सवाल पर कहा कि कौन बोल रहा है ये? हमारे साथ ज्ञानेंद्र जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। ज्ञानेंद्र, ये सबको जो हलचल सुबह से चल रही है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि भाई मुझे कोई जानकारी नहीं है इस फैसले की, उधर राज्यपाल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हैं तो कहते हैं मुझे जानकारी नहीं है, तो आखिर ये सस्पेंस क्यों बना के रखा जा रहा है? अब कब तक इंतजार करना होगा? क्योंकि ये तो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये सिफारिश कर दी गई है केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा कि ये जो प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है उसमें जिम्मेदार है हेमंत सोरेन। शोभना, एक मुख्यमंत्री की कुर्सी जा रही है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन हैं वो अब कुर्सी से उतरने वाले हैं, और ये सूत्र नहीं बल्कि ये खबर आ गई है कि जो चुनाव आयोग की चिट्ठी है राजभवन पहुंच गई है, और मेरे राजभवन के अभी ताज़ा सूत्र जो ये बता रहे हैं कि ये फैसला देर शाम या रात तक हो सकता है, क्योंकि लगातार तकनीकी पहलू पर बातचीत हो रही है, और कोई भी फैसला जब होना हो उस पर राज्यपाल सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर ही फैसला लेंगे। फिलहाल अभी का अपडेट ये है कि जैसे ही राज्यपाल रमेश बैस पहुंचे हैं रांची, उसके बाद से सीएम हाउस में हलचल तेज हो गई थी। यहाँ तमाम मंत्री और संगठन के लोग पहुँचने लगे थे, और वो सब लोग यहाँ पहुँच कर लगभग 1 से 2 घंटे यहाँ बैठक हुई, जमावड़ा अभी भी है, मीडियाकर्मी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये खबर राजभवन से आएगी। लेकिन राजभवन जब हम पता कर रहे हैं तो राजभवन से ये कहा जा रहा है कि देर शाम या रात तक इस पर फैसला आएगा, और चूंकि बहुत बड़ा फैसला है और माफ कीजिएगा, और हेमंत सोरेन की कुर्सी जा सकती है, इसलिए ये फैसला लेने में थोड़ा वक्त लग रहा है, लेकिन अब सब कुछ साफ हो जाएगा। हेमंत सोरेन से एबीपी न्यूज़ ने एक्सक्लूसिव जब ये सवाल पूछा उनसे, मैंने ही ये सवाल पूछा कि आप बताइए अगर आप इतने विकास के काम गिना रहे हैं तो फिर आपको इस बंगले से बेदखल कौन करना चाहता है और इस सीएम हाउस से कौन हटाना चाहता है, तो उन्होंने कहा कौन कह रहा है ये, मतलब वो भी अनजान बन रहे हैं इस पूरी का जो भी उनके खिलाफ चल रही है। भली बात ही जानते हैं ज्ञानेंद्र, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हेमंत सोरेन हट रहे हैं, अगर क्या मतलब मुझे लग रहा है कि शाम तक ये फैसला आ ही जाएगा, विधानसभा सदस्यता रद्द करने का आदेश दे दिया गया है, दो सवाल अहम हो जाते हैं कि अगला मुख्यमंत्री झारखंड का कौन होगा, क्या कल्पना सोरेन हो सकती है या शिबू सोरेन मोर्चा संभालेंगे या फिर सोरेन परिवार से इतर कोई और मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा का बनेगा, और दूसरा जो बहुत अहम सवाल हो जाता है वो ये कि क्या अगले 6 साल के लिए, 5 साल के लिए, 2 साल के लिए उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लग सकती है? क्या कह रहे हैं आपके सूत्र?
ये जो मुख्यमंत्री वाला मामला है इस पर मैं बाद में आऊंगा शोभना, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपने बाद में पूछ लिया कि क्या 6 साल के लिए सदस्यता रद्द हो सकती है, इस पर चर्चा हुई है राजभवन में, इस पर चर्चा हुई है और मुझे जानकारी जो है मैं उसको आधिकारिक रूप से नहीं बोल सकता हूँ, मेरी बाध्यता है, लेकिन इस पर बहुत गहन चर्चा हो रही है ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। अब आपका सवाल जो पहला था कि मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या सोरेन परिवार से ही होगा, तो देखिए मुख्यमंत्री कौन होगा, कल्पना सोरेन अगर उनको किसी सीट से लड़ना पड़ेगा तो जनरल सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा, उनकी बात जरूर सामने आई थी, लेकिन जिस तरह से आज यहां संगठन मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, अभी अगर 6 साल के लिए सदस्यता रद्द होती है तब यह बात आएगी कि हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री यहां के नहीं रहेंगे, ऐसे में मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी अंदर की मंत्रणा, क्योंकि जगन्नाथ महतो जो यहां पर शिक्षा मंत्री है उनसे मैंने बात की थी तो उन्होंने भी इस बात को कहा था कि पहले बच्चा पैदा होने दीजिए, लड़का होती है या लड़का, लड़के या लड़की, तब तो तय करेंगे कि कपड़ा क्या खरीदेंगे, तो ये अंदर ही अंदर सब कुछ हो रहा है तय, लेकिन बाहर नहीं बताया जा रहा है क्योंकि आज हेमंत सोरेन खुद बाहर निकल कर ये कह रहे हैं कि कौन बता रहा है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका मतलब अभी डिलीवरी का इंतजार कर रहा है कि पहले तय तो हो जाए कि हट भी रहे हेमंत सोरेन की नहीं, या क्या फैसला राज्यपाल के द्वारा उनके लिए लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन नजर बना के रखिए ज्ञानेंद्र, क्योंकि ये खबर बेहद अहम हो जाती है झारखंड की राजनीति को लेकर, झारखंड के लोगों के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।